और ये देखो अब ये इसकी बैटरी चालू हो गई है, ये अपना काम किया होगा। अब देखो ये गाड़ी यार झाड़ियों में घुसा के आया भाई, क्या बात है भाई, असली प्लानर है ये लोग, कैसे जुगाड़ू है भाई। ओए ओ अबे कुत्ते फिलहाल, ओए 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 भाई डर तो लग रहा है मुझे, पीछे ना पड़ जाए यार, एक गाड़ी 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 यार इस भीड़ में सर पे लगे, इसके सर पे लगे गोला। देखो भाई क्या लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से होंगे। इसके लिए ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है, आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। हम जा रहे हैं आज गाँव में बर्फ़ देखने के लिए, स्पेशल ऐसी बर्फ़ होगी कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, चादर होगी, वाइट चादर ऊँची होगी और बहुत अच्छा लगेगा। हम वहाँ तक पहुँचते हैं और पहुँच के आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे बर्फ़ कैसे दिखती है और पूरा नज़ारा और पूरा सैर करवा के दिखाएंगे आप लोगों को, पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें और वीडियो आपके लिए ही है स्पेशल, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको ये ज़िंदगी की पहली ख्वाहिश हो कि आपको बर्फ़ देखना है तो मेरे व्लॉग को ज़रूर पूरा देखिए। और बताओ दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बर्फ़ को देखते हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपको और मज़े करवाने। अभी ये कुछ नहीं था, अभी इससे आगे बहुत कुछ है दिखाने को। क्या करो, देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बर्फ के साथ खेलते हुए। ओ लाला क्या करना है, ये क्या करना है, बर्फ क्यों बन नहीं है बहू, बर्फ क्यों बन नहीं। लो भाइयों, हम तीनों स्टार्ट होने वाले हैं अभी कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए। हमारे साथ छोटे छोटे भाई हैं, कज़न हैं, और हम फिलहाल अभी जहाँ तक भी जा रहे हैं देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। थोड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची बर्फ़ होगी वहाँ पे और आज इंजॉय करेंगे हम तीनों भाई लोग। इतना कहाँ है भाई, आ जा, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब रेडी हो चुके हैं हम लोग यहाँ से निकलते हुए। लो ये कहाँ जा रहा है, अरे ये देखो देखो भाई ये वापस जा रहा है, ये बहुत गलत बात है, चलो आएगा वापस आएगा, कहीं गिर ना जाएगा। बर्फ़ भी बहुत बड़ी है और पूरा पाँव यहाँ घुस जाता है नीचे। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है आज और हर जगह वाइट कवर दिखने वाला है, ऐसा लगेगा भाई मैं तो यहीं थक गया हूँ, पता नहीं कि मेरी सांसें फूलने लग गई हैं। खा ले बर्फ। लो जी आज तीसरा भाई आ गया वापस, देखो भाई लोग क्या नज़ारे हैं, शाम होने वाली है फिलहाल, क्लैरिटी गिर ना जाए मोबाइल के कैमरे की वरना मज़ा तो नहीं आएगा। देखो कोहरा लगा हुआ पाइप के ऊपर। लो फिर धीरे धीरे रोड पे आ रहे हैं हम लोग, अभी अभी थोड़ी थोड़ी घास निकली हुई है, बर्फ़ पहले बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर थी अब पिघलने लगी है थोड़ी थोड़ी, और अब देखो पीछे की तरफ एकदम गोल्डन आ रहा है नज़र भाई, पूरी गाड़ी जाम हुई हुई है, रोड भी तो साफ़ हो चुकी है यहाँ पे सुबह से ही। चलो भाइयों अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। ये है हमारे अतीक भाई और इनसे पर्सनली कॉमेडी करना बहुत ज़्यादा अलग बात है, बहुत मज़ा आता है इनसे पर्सनल कॉमेडी करते हुए, क्योंकि इनको फिलहाल भाई सोहेल मलिक और ये दूसरा कज़न है हमारा मुशाहिद। और ये देखो अब ये इसकी बैटरी चालू हो गई है, ये अपना काम शुरू करने लगा, कहीं ना कहीं गिरने का कोई ना कोई प्लान कर रहा है, अभी सोच रहा है कि कैसे गिरूं, बट कोई नहीं आप लोगों के साथ तो एंजॉय हो जाएगा थोड़ा। देखो यार इस बर्फ़ के साथ कुछ चला नहीं है, लो जी नहीं यार मैं यहाँ पे गिर नहीं पा रहा हूँ। उसने बॉटल चरा ली है यहाँ पे, दूध के लिए बॉटल लाई थी, दूध लाना था, अब ये यहाँ पे झाड़ियों में घुसा के आया भाई, क्या बात है भाई, असली प्लानर है ये लोग, क्या होगा। अब देखो ये देखो ये असली वर्क कर रहा है भाई, सही सही जा रहा है, और कर लो। अब ये देखो ये सनसेट की वजह से ऊपर ऊपर की तरफ पहाड़ियों में जो बर्फ़ है वो बिल्कुल गोल्डन दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक्चुअली अगर आपकी आँखें
मेरी तरह देख रही होती है अभी 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 प्रेजेंट में, तो कसम से आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई ऐसे उठा रहा जैसे बड़े बड़े पहाड़ उठा रहा, कोई जादूगर हो। देखो भाई मैं उठाने वाला, लो अब मैं अपना वर्क करने लगा क्लीन वर्क। ओए गिर गया भाई बंदे। ये देखो ये बहादुरी बताता है आपको। ये पहाड़ अरे आराम से मारियो मेरे को ना लग जाए। देखो कितना बड़ा पहाड़ है उठाया मैंने। या टूट गया भाई लोग। ठीक लो ये इनकी हालत देखो भाई साहब के, इनकी हालत देखो ये क्या कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब कोई और कपड़े तो नहीं है। देखो बर्फ कैसे चिपकी हुई है। क्या पीछे जाने। हाँ। चलो यार पीछे चलते हैं, बहुत कम है हमारे पास। अब कल भी व्लॉगिंग मैंने कहा था कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखे, वो एरिया यहाँ से शुरू होता है। ये देखो अब यहाँ से पेड़ों के ऊपर ऊपर बर्फ दिखाई दे रही है, जो पेड़ों के ऊपर ऊपर ऊपर। ये मेरा भाई है मुशाहिद, तो आगे भी मेरा भाई है तीख, पीछे ये मेरे भाई हैं सबसे बड़े। तो ये देखो बर्फ कैसी लग रही है आपको। इनके अभी हाथ ठंडे हो गए, देख लो इन्हें ठंडे हो गए हाथ बहुत ज्यादा। ये देखो ये देखो इन भाइयों ने तो मोटे मोटे ग्लव्स पहने हुए इस बीच। हाय हाय सोहेल ने तो ग्लव्स कुछ भी नहीं पहना, नंगे हाथ आया हुआ। ये ले सोहेल, ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे घूमने। आ जाओ चलते हैं। आ जाओ, नहीं आ रहे। पहली बार वीडियो में आके शर्माते हैं, शर्माती। एकदम बढ़िया भाई शॉट ले लिया हमने। यहाँ पे एक शॉट लिया छोटा सा, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, यहाँ पे जाके आप लोग रील देख सकते हो। और यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। देखो भाई बंदा अब चालू हो गया। देखो ये देखो इसके बराबर बर्फ आ रही है यहाँ तक। लोग जा रहे हैं ब्रिज के बाद, जहाँ पे एक ब्रिज है लास्ट वाला, और वो भी अभी अभी बना है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल। इंजॉय करते हुए रास्ते में। और आप लोग देख रहे हो बर्फ, ये स्लोप देख रहे हो कितनी प्यारी स्लोप है यहाँ पे। और देखो इस मौसम में ना जानवर भी बड़े होते हैं। अबे कुत्ते, अरे कुत्ते भौंकने लगे यार, कुत्ते का खतरा हो सकता है यहाँ पे फिलहाल। ओए 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 भाई डर तो लग रहा है मुझे, पीछे ना पड़ जाए भाई। उधर देख ये कैसे आ रहा है, छोड़ो भाई। कुत्ता ऐसे आ रहा है जैसे भाई शेर आ रहा हो ऊपर से। अभी डर लग रहा है यार, नीचे आ जाएगा। ओए अतीक छेड़ना मत, कुछ भी मत करना, नहीं तो नीचे आ गया ना फिर सबकी टांग काट देगा। भाई साहब आ रहा आ रहा आ रहा। इंजॉय नहीं करना देगा आज, प्लान कैंसिल करके ही छोड़ेगा भाई ये बंदा। अल्लाह के भरोसे पे जा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। आ जाओ पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अरे आ जाओ साथ में, आ जाओ साथ साथ में चलोगे तो फिर कुछ नहीं बोलेगा। आ जाओ नहीं अकेले कुछ नहीं। अरे साथ में आ जाओ, इधर आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ चलो, डरो मत, कुत्ते का खतरा होता है। दौड़ो मत भाई, आराम से चलो भाई। डॉग पीछे पीछे आ रहा था, अब वापस जा रहा है। देखो बंदे ये डॉग है ना, जो इसकी आँख कृष्ण तोड़ी हुई है, निकाली हुई है भाई, तोड़ी हुई है आँख, तोड़ी हुई है यानी कि आँख निकाली हुई है। अब मुझे समझ में आ रहा है ये थोड़ा ब्लाइंड है। ये हमारा खतरा थोड़ा कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे छोटे आदमी डर रहे थे कुत्ते के साथ भाई, ये भाग रहा था वापस, इसको लगा के भाई काटेगा। मुझे पता था नहीं काटेगा, लेकिन वैसे ही नीचे आ रहे। चलो कोई नहीं, कोई भरोसा होता है। हाँ कभी कभी अगर छेड़ोगे ना तभी गुस्सा आता है।
फिर आके काट लेता हूँ। अगर नहीं काट नहीं छेड़ना होता आराम से जाओ। भाई यार इधर देखो कितनी बर्फ है ये। अब देखो बर्फ काफी हो चुकी है, बड़ी 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 बर्फ है, बहुत ऊंची ऊंची बर्फ है। अब यहाँ पे आ रहा है गाड़ी 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 आ रही स्पीड में, वो गिर गया। बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, हरियाली हरियाली है यार। कसम से जंगली मुर्गे मिल जाए ना यहाँ से तो मैं छलांग मार के पकड़ लेता। गई हो या ना अभी निकाली हो मगर डाली मार के। अच्छा ऐसे करूँ। स्लिप करते करते हमें चल रहे हैं क्योंकि चलना मुश्किल हो रहा है। और देखो 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 भाई बंदे की हालत, इंसान की तरह चल अगर चलना है तो। 200 रुपये की बर्फ यहाँ पे रखी हुई है किसी ने और प्राइस ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। देखो, नीचे देखो, और नीचे देखो क्या हो रहा है। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, ये छोटा भाई बता रहा। अरे भाई देखो भाई कितनी खाई है नीचे, एकदम स्लोप। भाई ये देखो मेरा पैर डूब। अरे आगे मत जाओ, पागल हो गए क्या? अरे अतीक आगे मत जाना, एक बार चला गया ना नीचे तो वापस आएगा तेरे को। गाना बोल रहा मैं वापस नीचे चला जाए ना फिर बेटा, वापस नहीं आएगा तू। फिर बोलते रहे ना मैं वापस आऊंगा, समोसे खाऊंगा। देखो ये ओए होए करो ना भाई। अरे गिर गया था। गिर जाता तो ये बंदा चाह रहा है कि फोटो बने। देख लो भाई साहब एकदम बढ़िया। हम छोटे छोटे हुआ करते थे यहाँ पे, बहुत सारे एंजॉय करे हम लोगों ने बचपन में। ये तो क्या है, ये नस्ल ही नहीं है इतनी एंजॉय करने वाली। हम लोगों ने जो किया है इतना इतना मजा किया है ना यहाँ पे भाई साहब। हम लोग ना ऐसी ऐसी जगह पे स्लोप करते थे, मतलब ग्लाइडिंग करते थे, इतना मज़ा आता था ग्लाइडिंग करते हुए भाई साहब। एक बंदा नहीं था वहाँ पे, वहाँ पे भाई कम से कम 10-20 लोग थे हमारे साथ, इस पूरे गांव के जितने देखो। और यहाँ पे देखो खतरा हो सकता है, लैंडस्लाइड आ सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो भाई लोग घूम के आए हैं। कैसे कैसे घूम रहे हैं, हमारी तरह नहीं घर में बैठे हैं। ठीक है अच्छी बात है, जाओ घर जा रहे हो, आओ चलते हैं यार घूम के आते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। भाई देखो ऊपर से बर्फ गिर रही है, पत्थर मत मार देना वरना इसकी बुरी आदत है भाई, ये पत्थर मार देता है आगे से। गाइस ये हमारे गांव का स्पेशल आदमी है। अरे देखो अब बर्फ 400 की हो गई है, प्राइस ऑलरेडी फिक्स है। अबे लैंडस्लाइड आ जाएगा ऊपर से, बेवकूफ आदमी कुछ तो भाई शर्म कर। गाइस ये देखो गाइस यहाँ से गाइस निकलने की कोशिश करो यहाँ से, गाइस ऊपर से पत्थर आ जाएगा, गाइस सारा काम हो जाएगा खत्म यहाँ पे। ओ भाई पीछे का ख्याल रखो भाई, बर्फ पत्थर ना आ जाए ऊपर से। देखो भाई ये बर्फ तोड़ रहा है, लो लो ले आ ले आ। क्यों तोड़ रहा है भाई, इतने अच्छे लग रहे हैं यार, सर पे लगे इसके, सर पे इसके सर पे लगे गोला। देखो भाई क्या ले आया। देखो यार अब देखो फिर फेंकना शुरू हो गया। हमारा पूल देखना ज़रूरी है अभी के लिए क्योंकि वहाँ पे नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होगा आप लोगों के लिए, मैं गारंटी देता हूँ बहुत मज़ा आएगा। आप हैव नो गारंटी ब्रो। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, है? किसका सिंबल है, पुलिस का? अरे ये किसका सिंबल है कमेंट करके बता दो, नहीं तो मैं बताता हूँ। क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे रोड जो है वो बिल्कुल क्लोज है। हाँ ये जो रोड है ना बिल्कुल क्लोज है, इसका सिंबल दिया भाई साहब। यहाँ कोई बड़े वाली गाड़ी आती है, अरे अरे फंस जाती है बड़े वाली गाड़ी, जो भी आती।